इस वक्त गेहूं की खरीद की सीजन चल रहा है। मंडियों में आवक भी ठीक है, इसके बाद भी सरकारी खरीद इस बार कम हुई है। जानकार बताते हैं कि अब तक शुरुआती 20 दिनों में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI ने पिछले साल की तुलना में 27% तक कम खरीद की है और इसके कारणों की जब थोड़ी जांच पड़ताल की गई तो ये आम आदमी के लिहाज से चिंता बढ़ाने वाला पाया गया है। खबरों के मुताबिक इस बार FCI ने 1 से 19 अप्रैल के बीच सिर्फ 9.9 मीट्रिक टन की ही गेहूं खरीद की है, जबकि पिछले साल यानी 2021 में इसी अवधि के दौरान 13.6 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, मतलब 27% के आसपास कम खरीद हुई है, जबकि कुल सीजन में सरकार ने 44.4 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है और आगे ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं अभी पुख्त तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहीं इसके ठोस कारण भी हैं। वहीं बता दें, जानकार बताते हैं कि इस बार देश में करीब 111 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जबकि 2021 में 109 मीट्रिक टन गेहूं के आसपास ही था, यानी इस बार उत्पादन कुछ अधिक हुआ है, लेकिन मार्च में गर्मी अधिक बढ़ जाने से इस गेहूं की गुणवत्ता खराब हो रही है। कई राज्यों से आने वाले गेहूं में टूटे दाने की मात्रा अधिक हो गई है। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद कम होने की एक सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है। दूसरा कारण बताया जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तमाम अन्य उत्पादों की तरह गेहूं की मांग भी पूरी दुनिया में काफी बड़ी हुई है। इससे निजी व्यापारी किसानों से सीधी खरीद कर रहे हैं ताकि उसे दूसरे देशों में भेजकर मुनाफा कमाया जा सके। इस कारण किसान सरकार के बजाय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से 2015 रुपए प्रति क्विंटल से ऊंची कीमतों पर निजी व्यापारियों को गेहूं बेचने में दिलचस्पी ले रहे हैं। दरअसल यही आम आदमी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आशंका ये है कि जैसे जैसे सीजन गुजरेगा निजी व्यापारी अपने मुनाफे के लिए गेहूं की कीमत और बढ़ा सकते हैं। अभी इस वक्त ही गेहूं की कीमत में 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब आम लोगों को इस बार महंगा गेहूं खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।